यूं तो हर रोज़ हम नए चेहरे देखते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनको देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगर यार ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे के चेहरे को देखकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, तो यार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे चेहरे को देखकर किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आए? ऐसा हो सकता है ना? अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा करने में हमें क्या हर्ज है? हम खुश रहेंगे और हमारे वजह से दूसरा भी खुश रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कोई 4 साल का बच्चा है, उसके अंदर फीलिंग है, वो हंस रहा है या रो रहा है, हाँ ना, आप देख रहे हैं, ठीक है, आप उसके सामने जाके प्यार से बोलिए, बेटा थोड़ा सा हंसो, अच्छा ठीक है, वो नहीं हंसेगा एक बार में, ठीक है, क्योंकि वो दुखी है उस टाइम। यदि वो दुखी है, ठीक है, तो आप उसके सामने खुद हंस जाइए, तो वो ऑब्वियसली ना वो आपके सामने ज़रूर हंसेगा। क्यों? क्योंकि उसके इमोशन जो होते हैं ना उस टाइम बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है, उस एज में बच्चा ना हंसी खुशी एकदम एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हम जब एज बड़ी हो जाती है ना, एज ज़्यादा हो जाती है हमारी, तो हम क्या, हमारे दुख और खुशी ना हम उनको दिल से ले लेते हैं। जब हम उस चीज़ को दिल से ले लेते हैं ना, तो हमारे खुशी खुशी में रह जाती है और गम गम में रह जाते हैं। जब ऐसी चीज़ होती है ना यार, तो हम एक ही जगह स्थिर रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, हमने दुख को भी ना खुशी में कन्वर्ट करना है। जब हम ऐसा करने लगेंगे ना, तो हमें अपने दुख दुख नहीं लगेंगे और हम दूसरों को भी खुश कर पाएंगे और खुद भी खुश रह सकेंगे।